दुर्गा नदी के किनारे बसा एक गांव फूलपुर। गांव में कुछ 100-150 लोग रहते थे। अंजलि, जो कि पासी के जिले में रहती थी और 12वीं पास कर चुकी थी, उसके पिताजी ने बेटी को जल्दी विदा करने के लिए उसकी शादी फूलपुर गांव के मुकेश से करवा दी थी। मुकेश कभी स्कूल नहीं गया था और इस कारण वो पढ़ा लिखा नहीं था, और बाकी गांव वालों की हालत भी मुकेश जैसी ही थी। मुकेश के घर में उसके माता पिता भी रहते थे। सासू माँ, मैं बाहर मंदिर तक जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। अरे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके रसोई में रात के खाने की तैयारी करो। और ये घूंघट क्यों हटा लिया है तुमने? क्या पता नहीं कि इस गांव में औरतें बिना घूंघट के नहीं रहती? रात में अंजलि छत पर जाकर अपनी मम्मी से बात कर रही होती है, तभी गांव की 3-4 औरतें उसे देख लेती है और दरवाजे पर आकर उसकी सास से शिकायत करने लगती है। और क्या हुआ? अरे छत पर तो देखो, आपकी बहू मटक मटक के किसी से फोन पर बात कर रही है, दिन भर फोन पर लगी रहती है। अरे कल तो मंदिर के पास वो क्या कहते हैं, सेल्फी ले रही थी। शहर की बहू रखना अच्छा शान की बात है, पर देखना इसके लक्षण से ये तो तुम्हारे परिवार को बदनाम ना कर दे। ये पहली बार नहीं था जब सास से गांव के लोगों ने अंजलि की बुराई या शिकायत नहीं की हो, अब तो ये रोज की बात थी। अंजलि ये सब सुन लेती है। जब वो नीचे जाती है तो मुकेश भी वहां आ जाता है। सास कहती है, बेटा लोग घर आकर शिकायत करने लगे हैं बहू के कामों की, देख लो। पति हो, संयम से रखो इसे। माँ जी, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी, क्योंकि यहाँ कोई बात करने लायक ही नहीं है, और अब मैं माँ के पास ही रहूंगी। वहाँ क्या रहना, वहाँ बाहर के लोग तो ठीक है, पर घर के लोग भी इज्जत ना दे सके। अरे नहीं नहीं अंजलि, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अरे बस कुछ बोलना ही नहीं है, सर पे चढ़ा रखा है बहू को। सास मुकेश की नरम बात सुन के वहां से मुंह चढ़ाकर चली जाती है। मैं तो कहती हूँ हम दोनों शहर चले जाते हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी, और थोड़े दिनों में आप भी वहाँ कुछ काम ढूंढ लेना। अरे नहीं नहीं अंजलि, हम यहाँ ना गांव का खेत, माँ पिताजी को छोड़कर शहर नहीं जा सकते, माँ पिताजी को कैसा लगेगा और गांव वाले क्या सोचेंगे। ये कहकर मुकेश सोने चला जाता है, और अंजलि की गांव वालों द्वारा बुराई का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता ही रहता है। लेकिन अंजलि गुस्सा ना दिखाते हुए समझदारी से काम लेती है। बारिश का मौसम चालू हो जाता है। जोरदार बारिश से पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। दुर्गा नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी पूरे गांव की फसल तबाह कर देता है। फसल की ये हालत देखकर गांव वाले निराश हो जाते हैं, और बात तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि कुछ लोग तो अंजलि को इस सब का दोषी ठहरा देते हैं। अरे पूरी फसल तबाह हो गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे जब से चौधरी परिवार में ये शहर की बहू आई है ना, तब से ही गांव की शांति चली गई है। इसके कर्म कांड से माँ दुर्गा नदी भी खुश नहीं है। ये सब सुनकर बिचारी अंजलि रोते हुए अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद सभी गांव वाले अपनी फसल का मुआवजा लेकर अपने अपने घर आते हैं। मुकेश भी 1500 लेकर आता है। अंजलि को जब पासबुक दिखाता है तो अंजलि हैरान हो जाती है। अरे ये पासबुक में तो उन्होंने 4000 की एंट्री करी है और आपको सिर्फ 1500 दिए। सच में? अरे वो सरकारी अफसर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, सरकार की तरफ से हमें 4000 मिले हैं, लेकिन बाकी का सारा पैसा खुद ही खा रहे हैं, आप लोग के अनपढ़ होने का फायदा उठा रहे हैं। ये सब सुनकर मुकेश परेशान हो जाता है, लेकिन अंजलि उसे हिम्मत से काम लेने को कहती है, और सुबह होते ही मुकेश को पंचायत कार्यालय ले जाती है और साथ में गांव के और लोगों को भी। आप सरकारी बाबू क्या गांव के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? आपको क्या लगता है ये पढ़े लिखे नहीं है तो आप कुछ भी मनमानी करेंगे? ये बेचारे दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं, और आप इनके साथ ऐसा धोखा करते हैं। अरे क्या बके जा रही है ये लड़की, किस धोखे की बात कर रही है?
अपने कांड करके नदी माँ को नाराज करके हमारा नुकसान करके इसे चैन नहीं मिला क्या? सरपंच जी, इन सरकारी बाबू ने मुझे बेवकूफ बनाया है और मेरे हिस्से के पैसे खुद चट कर गए। बस ये सुनते ही सरपंच वहाँ से दुम दबा कर भाग जाता है। पता चलता है कि जनपद अधिकारियों ने गांव के सरपंच के साथ मिलकर सबके साथ धोखा किया है। सब लोगों का विरोध शुरू हो जाता है और आखिर में अधिकारी सब गांव वालों के हिस्सों के बचे हुए पैसे उन्हें लौटा देते हैं और कई दिन तक सरपंच गांव में लौटता ही नहीं। अंजलि, तुम नहीं होती तो हम गांव वालों को तो पता ही नहीं चलता कि ये हमें हर बार बेवकूफ बनाते हैं। हाँ हाँ अंजलि बेटी, हमें माफ कर दो, हम सब तुम्हें बुरा भला कहते रहे लेकिन तुमने ही आज हमें बेवकूफ बनाने से बचाया है। हमें तुम पर गर्व है बेटी, अब समझ आया कि सरपंच तुमसे नहीं तुम्हारे पढ़े लिखे होने से नफरत करता था। क्यों ना इस बार हम अंजलि को ही सरपंच पद के लिए चुन ले, क्या कहते हो गांव वालों, पढ़ी लिखी सरपंच? बस पूरा गांव अंजलि के लिए ताली बजाता है और अंजलि की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है।